वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल. आई एम रविका फ्रॉम SIMT नकोदर. बच्चे, हमने जो है फाइनेंशियल मैनेजमेंट के डिसीशंस किए थे, आज हमने इसके कुछ इश्यूज करने हैं. अब हमें कुछ मेन प्रॉब्लम्स जो हैं वो फाइनेंस में देखने को मिलती हैं कि हमने कहाँ से फाइनेंशियल रिसोर्सेज रेज करने हैं, कहाँ पे उनको इन्वेस्ट करना है, कैसे उन्हें बेस्ट वे में मैनेज करना है, कैसे प्रोडक्शन या डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन करना है, और कैसे जो प्रॉफिट है डिस्ट्रीब्यूट करना है, और कितना हमने बिजनेस में लगाना है. अब फाइनेंस की बात करते हैं. फाइनेंस के अंदर आता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, कैपिटल मार्केट और इन्वेस्टमेंट्स. फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होती है? इसमें एक्विजिशन होता है फंड्स का, कि हमने फंड्स जो हैं वो कम से कम कॉस्ट में लेने हैं और उनको यूटिलाइज करना है किसके साथ? मिनिमम फाइनेंशियल रिस्क के साथ. ये जो है कंसर्न है किसके साथ? कि मैनेजमेंट जो है फंड्स का, ठीक है, ये उसके साथ डील करते हैं. फाइनेंशियल मैनेजमेंट हमने वैसे ही बात की है कि इसमें जो है हम मैनेजमेंट की बात करते हैं फाइनेंस की, कि हमें पैसा कहाँ से मिलेगा और किस कॉस्ट में मिलेगा, और हमने जो है रिस्क को इसमें कम से कम रखना है. दूसरा जो है मैनेजमेंट ऑफ फंड्स के साथ ये डील करता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट और कॉरपोरेट फाइनेंस. बोलते हैं हमने कितना, कैसे और कौन सी टाइप ऑफ एसेट्स को लेना है, हमने कैसे जो है वो रेज करना है कैपिटल जो कि हमें ज़रूरत है परचेज करने के लिए एसेट्स को, हमने कैसे जो है रन करना है फर्म को ताकि हम जो है मैक्सिमाइज कर सकें वैल्यू को. ये जो है फाइनेंशियल मैनेजमेंट या कॉरपोरेट फाइनेंस के कुछ फंक्शन हैं या उनके कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो कि उन्हें सॉल्व करने पड़ते हैं. अब हम बात करते हैं गोल्स की. गोल्स जो है वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के क्या हैं? इसमें जो है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होता है, इसमें हम मैक्सिमाइज करते हैं अर्निंग पर शेयर, शेयर होल्डर वेल्थ मैक्सिमाइजेशंस, ठीक है. प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन क्या है? इसमें मेन एम जो है वो क्या है? अर्न करना है प्रॉफिट को, ठीक है. दूसरा है, एक तरह का पैरामीटर होता है जिसमें हम अपने बिजनेस ऑपरेशंस को क्या करते हैं, देख सकते हैं, ठीक है. दूसरा जो है ये क्या करता है, ये रिड्यूस करता है रिस्क को, यानी कि जो भी हमारे बिजनेस में रिस्क होता है प्रॉफिट के कंसर्न्ड, उसे ये क्या करता है, कम करता है. और प्रॉफिट जो है ये मेन सोर्स है हमारे फाइनेंस का, यानी कि जब तक प्रॉफिट नहीं होगा हमारा बिजनेस जो है वो अच्छे से वर्क नहीं करेगा. अब प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो हमारी सोशल नीड्स को भी फुलफिल करेगी. प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में ये है कि अगर आपके पास प्रॉफिट आएगा, प्रॉफिट को ज़्यादा से ज़्यादा करने से हमें क्या फ़ायदा है? सबसे पहले आप जो है मेन एम तो किसी भी बिजनेस का वो क्या है, प्रॉफिट को अर्न करना. दूसरा क्या है, ये बिजनेस ऑपरेशंस को मैनेज करता है. जितना ज़्यादा प्रॉफिट है उतना ज़्यादा आपका बिजनेस जो है वो अच्छे से एफिशिएंटली रन कर रहा है. ये जो है प्रॉफिट जो है ये रिड्यूस करता है रिस्क ऑफ बिजनेस को, ठीक है. इसमें मेन सोर्स जो है प्रॉफिट ही है. जो प्रॉफिट है तो आपके पास पैसा है, प्रॉफिट नहीं है तो आपके पास पैसा भी नहीं है. प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो मीट करती है किसको? सोशल नीड्स को. ऑब्वियसली सोसाइटी में आप तभी खड़े हो पाओगे जब आपके पास जो है प्रॉफिट्स है. नेक्स्ट है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन. अब वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का क्या मोटिव है? ये जो है ये इम्प्रूव करता है वैल्यू को या वेल्थ को जो कि किसके पास है, शेयर होल्डर के पास है, ठीक है. ये जो है इसमें टाइम और रिस्क बिजनेस का दोनों ही लिया जाता है, ठीक है. बिजनेस कंसर्न में हमें कौन से टाइम पे या कौन सा रिस्क जो है वो फेस करना पड़ेगा, इसमें ये दोनों ही चीज़ें जो है आती हैं. ये जो है हमें एफिशिएंट एलोकेशन अपने रिसोर्सेज के बताते हैं कि हमने जो है बेस्ट पॉसिबल वे में अपने रिसोर्सेज को कैसे यूज़ करना है. इसमें जो है ये हमें इंश्योर करता है इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो है वो हमारी सोसाइटी का क्या है, ठीक है.
कैपिटल मार्केट्स। अब कैपिटल मार्केट्स क्या होते हैं? कैपिटल मार्केट में जहाँ पे इंटरेस्ट रेट जो है वो स्टॉक या बॉन्ड प्राइसेस के साथ हमें पता होना चाहिए। कैपिटल का मतलब होता है पैसा, यानी कि जो हम मनी इन्वेस्ट करते हैं मार्केट्स जहाँ पे हमें ये पैसा मिल सकता है। तो कैपिटल मार्केट में जो इंटरेस्ट रेट्स के साथ हमें स्टॉक बॉन्ड प्राइसेस का बताते हैं, ये जो है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं जिसमें हम क्या करते हैं, सप्लाई करते हैं कैपिटल की किसके कहाँ पे, बिजनेस में। यानी कि कैपिटल मार्केट्स वो मार्केट होती हैं जहाँ पे बिजनेस वाले लोग अपने बिजनेस के लिए पैसा उठाते हैं, ठीक है। और ये जो है इस कैपिटल मार्केट का मेन काम होता है कि उन्होंने सप्लाई करना है कैपिटल कहाँ पे, बिजनेसेस में, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही, अगर आपको कोई भी डाउट्स हैं तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू क्लास।